सब्सक्राइब कीजिए 06 स्टडी पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रिक्रूटमेंट और एग्जाम अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल 06 स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे रेलवे की कुछ रिक्रूटमेंट्स के बारे में। रेलवे में रिक्रूटमेंट्स निकली हैं 2907 वैकेंसीज के लिए। आपको बता दूं कि इससे पहले RRB ने ALP और ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी की वैकेंसी भी निकाली थी, जिसके एग्ज़ाम अभी चले थे। और ALP का भी रिसेंटली रिजल्ट भी आने वाला है, उसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो बना दिया, बता दिया कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। अगर आप रेलवे की इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं तो आपकी जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 नवंबर है। और आपकी जो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं, मतलब टोटल आपकी जो भर्ती होगी, वो आपकी 2907 वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली जॉब पा सकते हैं रेलवे में इसके थ्रू। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए कैसे और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। RRB रिक्रूटमेंट 2018, ईस्टर्न रेलवे ने अप्रेंटिसशिप की 2907 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही उम्मीदवार के पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपने 10th के बाद ITI करी है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो आपकी 14 नवंबर 2018 है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका पूरा नोटिफिकेशन पड़ेगा, उसी के बाद अपना अप्लाई करिएगा। अब आपकी जो इसमें ट्रेड्स हैं, मैं आपको वो अपने ट्रेड्स और ब्रांचेस बता देता हूँ क्या क्या हैं। फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन आदि, ये सभी आपकी जिसमें वैकेंसीज हैं, जो आपकी पोस्ट्स हैं, ये सभी इसी में हैं। इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ट्वेल्थ पास होना और उसी के साथ साथ आपका ITI सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 15 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी 24 होनी चाहिए। तो 15 से 24 साल के बीच की आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी फ़ीस होगी वो 100 रुपये होगी, और जो आपके SC ST PWD और गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए आपकी जो फ़ीस है वो 0 फीस है। आपको इसके लिए कोई फ़ीस पे नहीं करनी, आपका जो फॉर्म होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। ये आपका नोटिस है, इसी में आपकी सारी वैकेंसीज जो हैं आपके डिटेल्स में बताई गई हैं। आप फॉर्म फिल करने से पहले अपनी वैकेंसीज चेक कर लीजिए कि PWD के लिए कितनी है, SC ST के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, अनरिजर्व्ड के लिए कितनी है। ये सभी आपके फ़िटर के लिए 142, ये सभी दी हुई है। मैकेनिकल, फ़िटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, जितनी भी वैकेंसीज है इसमें सब आपको डिटेल्स दी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे नीचे कमेंट में करके बता देना। पर मैंने आपको इसमें ये बताया कि आप कब तक और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो RRB ग्रुप डी की परीक्षा चल रही है वो 29 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा का शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है। ग्रुप डी का एडमिट कार्ड, RRB एडमिट कार्ड एग्ज़ाम 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उससे 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं ग्रुप डी का, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, RRB की ऑफिशियल मेन वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ पर आपको कैरियर्स में या फिर नोटिस बोर्ड पर आपको वो दिख जाएगा, आपका एडमिट कार्ड का लिंक, डाउनलोड एडमिट कार्ड ग्रुप डी। तो आप उस पर क्लिक करिएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज खुल जाएगा। उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो कि आपका पासवर्ड है, उसको डालने के बाद जैसे ही आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। और एडमिट कार्ड आने के बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कलर में प्रिंट आउट निकालें, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 2907 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। अगर आप फ्यूचर में भी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और रिक्रूटमेंट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you.